ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कोई भी छोटा स्मॉल बिजनेस है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या हमारी अपैरल इंडस्ट्री कोई भी लाइक वेंडर्स हो, फैब्रिक सप्लायर हो सकते हैं, लेट सप्लायर हो सकते हैं, शिपिंग सप्लायर हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का मतलब समझ सकते हैं। मैंने कहते हैं बता दी कि आप अपने आप रिलेट कर सकते हैं, चाहे आप फिनिशिंग की कॉन्ट्रैक्टर हो, स्टिचिंग के कॉन्ट्रैक्टर हो, आप किसी भी सेक्टर में आपकी एक तरह से फॉर्म चल रही है, तो ये सब उनके लिए है। बेसिकली क्या होता है कि हर आदमी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है कि आपने उस बिजनेस के लिए या तो आपने पिछले 5 साल से कंटिन्यूस उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्केल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जनरली अभी जो मैंने पैटर्न देखा है बहुत सारे लोगों का, जिनको मैं जानता भी हूँ, मैं उनमें किसी का नेम नहीं लूंगा, बट हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, पिछले 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, बट उनका ड्रॉबैक क्या है, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बट कभी उन्होंने एक चीज नोटिस की है, वो तो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं डेडिकेटली, बट जो जिस कंपनी के लिए वो काम कर या जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी किसी एक क्लाइंट के साथ ही काम कर रही है, ये सोचने वाली बात है। अगर वो लोग एक कंपनी पे या एक पर्टिकुलर ब्रांड पे रिलाय नहीं है, आप कैसे एक कंपनी पर रिलाय हो सकते हैं? आपको भी हक है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो करना आप ही के हाथ में है। आप अगर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। दैट्स योर बेबी एंड यू हैव टू फील इट। अब डिसाइड ये करना है कि आप उसे कैसे करेंगे। देखिए, हर किसी ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो उसने उसकी प्री प्लानिंग पहले से की हुई है, और प्री के साथ वो प्लानिंग भी उसकी चल रही है। इवन दो ही मस्ट हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो, बट उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली मैं ट्रेंड के अंदर जो मार्केटिंग चल रही है, अगर आप उन चीज़ों से पीछे भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी बेटर फॉर यू, इट्स वेरी बेस्ट फॉर यू, आप उन स्ट्रैटेजी को भी इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, आप मान लीजिए कोई स्टिचिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर मान लीजिए आप लीड सप्लायर हैं, जितने भी ये इस तरीके के वेंडर हैं, इन लोगों में से किसी ने भी अभी तक अपनी पर्टिकुलर एक वेबसाइट पर नहीं किया, जिससे कि वो लोगों को ये बता सके कि भाई मैं किस फील्ड में काम करता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज ये है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी वो लोग उसी तरीके से पुरानी उसी तरीके से काम किए जा रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे कोई और आएगा, आपकी जगह कोई और ले लेगा। इट्स वेरी अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी का फेवर करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ जो भी हैं वो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। या आप सपोज करो आपको अगर काम नहीं मिल रहा होता तो आप काम करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब काम ही नहीं है तो आपको काम कहाँ से मिलेगा? और उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से काम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कोई हुक नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। बिजनेस आपका है, आप इसे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं मत बढ़ाएं। मैं कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद शायद एंड नॉट शायद बट हाँ 100% आपका बिजनेस ग्रो होगा, बट उसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन दोनों चाहिए। और अगर आपने ये सब चीज़ें की तो तुम द नेक्स्ट सीजन आपको लाइफ में कभी नहीं फेस करना पड़ेगा, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं कैसे तो कैसे अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करूँ, किस तरीके से मैं अपने काम को एक्सपेंड कर सकूँ, आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो
मुझे पता है कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इट्स अ वेरी सिंपल, मैं इसमें कोई भी स्ट्रैटेजिकली कोई भी ऐसी चीज इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ जिससे कि मतलब लोगों को एक लगे कि हाँ मैं ये चीज इधर, नो नॉट एट ऑल, मैं सिंपल सिंपल शब्दों में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और दिस इज गोइंग टू बी अपलोड ऑन माई यूट्यूब। सबसे पहला काम कीजिए, आप अपनी एक वेबसाइट प्रिपेयर करवाइए। वेबसाइट प्रिपेयर कराना आज की डेट में कोई टफ काम नहीं है, इट्स जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स और कपल ऑफ डेज। एक वेबसाइट प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर करने के बाद उसमें प्रॉपरली कंटेंट पोस्टिंग की करवाइए। अगर आप नहीं कर सकते, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें तो ये आता नहीं, हमें तो ये टेक्निकल। अरे सर, आप बिजनेसमैन तो हो, बिजनेस तो करते हो, यू शुड नो द थिंग्स, यू नो द पीपल्स हु कैन डू फॉर यू। आप समझो, अगर आप नहीं कर सकते हो जो काम, बट आउटसोर्स तो करते हो, आउटसोर्स तो करते हो, आउटसोर्स करके आप अपना काम कराइए। एक पर्टिकुलर एक फ्रीलांसर को हायर करके रखिए एटलीस्ट, जो आपकी ये सारी टेक्निकल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहे, और फिर इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, जो भी पेजेस डिजाइन होंगे उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन आपकी साइट पर लैंड होता है तो आप उसको रिटारगेट कर सकते हैं। रिटारगेट इन द सेंस, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है बट मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपकी साइट पे कोई भी विजिट करता है तो यू कैन एबल टू ट्रैक दैम, आप उनको ट्रैक कर सकते हो कि कौन है क्या है, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से आप उन लोगों को ऑफर कर सकते हो बेस्ट सर्विसेज। क्योंकि क्लाइंट तक पहुंचने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उन तक पहुंचिए या वो आप तक पहुंचे। अगर दोनों में से कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा तो ना तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना एक्चुअली जिसको जो वेट कर रहा है उसको भी नहीं मिलेगा। तो इट्स वेरी बेटर फॉर यू, आपको खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो नहीं मिलेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, क्रिएट योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर पेजेस, क्रिएट योर सोशल ब्रांडिंग, डेवलप योर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेजेस एंड कनेक्ट विद देम। और ये भी काम करने के लिए बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स अवेलेबल है जो आपका ये काम भी कर देंगे। उनको एक उनकी एक मंथली सर्विस फीस होती है और उसके बदले में वो आपका कंटिन्यूसली मंथली पोस्टिंग्स करते रहेंगे, और जिसकी वजह से आपका जो रीच होगा, जो आप जिस ऑडियंस को चाहते हैं, जो मतलब मान लीजिए अगर आप बेसिकली विद इन इंडिया नोएडा में ही लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, आपको मिलेगा मिलेंगे आपको आपको बने मिलेंगे, आपका बिजनेस तो होगा। बट ये सब तभी हो पाएगा जब आप इस पे 100% रिलाई करेंगे, फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं हैं आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व होके अपने आप को ग्रो करें। बहुत सारे लोग मैं मुझे तो शायद ही ये भी नहीं पता है, गिनती उनकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी से जलने वाले बहुत लोग हैं। तो बेटर है कि यू जस्ट टेक केयर योर सेल्फ, बिजनेस आपका है, करना ना करना और क्या डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं। मेरा तो फर्ज ये बनता है जो मुझे मालूम है या जो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन डू। और ये वीडियो आज पोस्ट हो जाएगा एंड इसी तरीके की, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कोई भी इस तरीके का वीडियो नहीं डालूंगा जो कि मुझे लगे कि हाँ दैट गोइंग टू गोना बी मोर फैंसी। तो ऐसे कोई फैंसी आइटम्स नहीं होंगे, जो भी होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिकॉर्डिंग्स होंगे, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली मैं आपसे बातें करूँगा रिगार्डिंग वॉट कैन बी करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा चीज भी नहीं करना चाहता, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। क्रिएट योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर पेजेस, क्रिएट योर सोशल ब्रांडिंग पेजेस, पोस्ट योर रेगुलर कंटेंट एंड स्टार्ट प्रोमोटिंग योर वेबसाइट विद पेड प्रमोशन। स्टार्ट डूइंग इट एंड
बिलीव मी नेक्स्ट ईयर से या इसी सीजन में ही आपको जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आरओआई बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं आ रहा, तो दिस इज फॉर देम कि ये मिथ उनके दिमाग से हट जाए। देखिए, मार्केट के अंदर काम अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको काम नहीं मिल रहा, बट आपका अप्रोच, आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं उन लोगों, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ संभव है आज की डेट में, सिर्फ आपको कोशिश करनी है। और इस कोशिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको स्ट्रैटेजी सारी बता दी है क्या चीज़ें कर सकते हैं। और लेटर ऑन कुछ नए वीडियोज भी मैंने शेड्यूल किए हैं जो एज सून एज पॉसिबल आपके फीड में आ जाएंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर। और बिजनेस आपका है, मेरा नहीं, मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको करना है क्या, डिसाइड करना है, नाउ इट्स अप टू यू। बिजनेस कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि बिजनेस शुरू करना आसान है, उसको रन करना, उसको स्केल करना उतना ही बड़ा मुश्किल काम है जितना कि किसी बच्चे को टेक केयर करना। टिल देन बाय, टेक केयर।